1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, के एस आर करण सिंह राठौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक जीएसटीआर 9 एंड 9C में क्या डिफरेंस है। जीएसटीआर 9 में 9C किसे फाइल करना चाहिए, वो जीएसटीआर 9 और 9C अगर फाइल नहीं करते हैं या लेट फाइल करते हैं तो उसकी लेट फीस कितनी है, ये पूरा चैप्टर आज इस वीडियो के अंदर कवर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे अकाउंटेंट ये समझते हैं कि हमें जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना है अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो तक के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यहां पर मैं आपको जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में डिटेल्स के अंदर डिफरेंस बता रहा हूं। तो नंबर 1, जीएसटीआर 9 इज एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9 क्या है, आप एवरी मंथ जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं और जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर B2B और B2C दोनों का सेल्स जो होता है वो हम जीएसटीआर 3B के अंदर फाइल करते हैं। सेम फिगर होता है हमारा, लेकिन कभी कभी दोनों में कुछ वेरियंस आ जाता है। जीएसटीआर 1 के अंदर अलग फिगर होता है, जीएसटीआर 3B के अंदर अलग फिगर होता है। तो यहां पर जो जीएसटीआर 9 है वो एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के फिगर को मैच करने के लिए। और जीएसटीआर 9C इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जीएसटीआर 9 होने के फाइल होने के बाद जीएसटीआर 9C फाइल होता है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, वो मस्ट फाइल। अब ये जो जीएसटीआर 9 और 9C किसे फाइल करना चाहिए, जीएसटीआर 9 शेल बी फाइल बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया है क्योंकि हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है। लेकिन मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि किसी का टर्नओवर कोई भी हो, चाहे वो 1 करोड़ का टर्नओवर हो, 2 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो, उसे जीएसटीआर 1 तो फाइल करना ही करना है। क्लियर है? तो जीएसटीआर 1 एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करना है। जीएसटीआर 9C शेल बी फाइल बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल टू फाइल ऑडिट एज पर प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटीआर 9C उसे फाइल करना है जो टैक्स ऑडिट के अंदर आ रहे हो, और टैक्स ऑडिट के अंदर वो टैक्स पेयर आते हैं जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का होता है। मींस अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटीआर 9C भी फाइल करना है। Not applicable to GSTR 9. अब GSTR 9 हमने भी बोला था कि every taxable person को file करना है, लेकिन यहाँ पर किसे file नहीं करना है? तो casual taxable person, non-resident taxable person, input service distributor, unique identification number holders, online information and database access retrieval service providers, composition dealers person subject to TCS or TDS provisions. ये जितने भी taxable persons हैं, उन्हें GSTR 9 file नहीं करना है। Means इनको छोड़कर, means जो regular taxable person है, उन्हें GSTR 9 file करना है। और GSTR 9C, those mentioned under GSTR 9, but also registered person whose aggregate turnover in financial year is less than 2 crore. Means जिसका turnover 2 crore से नीचे है, उन्हें GSTR 9C फाइल नहीं करना है। फाइलिंग ऑफ द रिटर्न GSTR 9 ऑन GST पोर्टल पर, आप GST के पोर्टल पर जाएंगे, एनुअल रिटर्न आएगा, वहां पर GSTR 9 है। एंड GSTR 9C ये भी GST पोर्टल पर होता है, लेकिन आफ्टर GSTR 9 फाइल। अगर आपको GSTR 9C फाइल करना है तो इससे पहले आपको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी है। फॉर्मेट ऑफ द रिटर्न GSTR 9 कंसोलिडेटेड समरी डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर ITC एंड टैक्स पेड लेट फीस एज पर द GS रिटर्न बिटवीन जुलाई 2017 एंड मार्च 2018। मींस यहां पर है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल, जैसे अभी 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 का GSTR 9 फाइल करना था जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी,
अभी भी फाइल कर सकते हैं, चाहे लेट फीस भी लग रही है चाहे नहीं भी लग रही है। तो जीएसटीआर 9 क्या होता है कि आपने पूरे साल में जीएसटीआर 1 के अंदर कितना सेल्स दिखाया है और जीएसटीआर 3B के अंदर कितना सेल्स दिखाया है, आपके जीएसटीआर 2A के अंदर कितना इनपुट क्रेडिट था और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर कितना इनपुट लिया हुआ है, इसका रिकंसिलेशन से मींस ये पूरी डिटेल्स आती है आपकी। अगर आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर सेम फिगर है और जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B के इनपुट के अंदर सेम फिगर है तो आपको एज इट इज जीएसटीआर 9 फाइल कर लेना है। और जब जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं ऑटोमेटिक फिगर वहां पर आपके आ जाते हैं, तो उसी के आधार पर आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। जीएसटीआर 9C पार्ट ए रिपोर्टिंग ऑफ रिकंसिलेशन नीडेड बिटवीन टर्नओवर टैक्स पेड एंड आईटीसी, रिपोर्ट ऑन एन ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑफ एनी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी और पार्ट बी सर्टिफिकेशन बाय जीएसटी ऑडिटर सीए और सीएमए। जीएसटीआर 9C चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी ऑडिटर या फिर सीएमए फाइल करता है। तो जीएसटीआर 9 और 9C ये है। जीएसटीआर 9 जो होता है वो पूरी डिटेल्स होती है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए, और जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन होता है कि आपका बिटवीन टर्नओवर है, कितना आपने टैक्स पे किया है, कितना आपने आईटीसी लिया हुआ है, और कोई टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी बन रही है तो आपको जीएसटीआर 9C के अंदर शो करना है। वो मस्ट क्लेरिफाई एंड अटेस्टेड कौन करता है? जीएसटीआर 9 फाइलिंग करने के लिए हमें जीएसटीआर 9 अगर फाइलिंग करना है तो नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय सीएसीएमए बट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द टैक्स पेयर यूजिंग रिलीजियस सिग्नेचर्स। जीएसटीआर 9 अगर आपको फाइल करना है तो न तो सीए की जरूरत होती है, न सीएमए की जरूरत होती है, न टैक्स ऑडिटर की जरूरत, जीएसटी ऑडिटर्स की जरूरत होती है। वहां आपका जो भी टैक्सेबल पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, उसका डिजिटल सिग्नेचर आपको अटैच करना है जीएसटीआर 9 के लिए। और GSTR 9C के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ जीएसटी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड विद आइदर सीएसीएमए थ्रू डिजिटल सिग्नेचर एंड मस्ट बी अटेस्टेड बाय टैक्स पेयर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। यहां पर दो के लगेंगे, एक जो टैक्स पेयर है उसका और एक सीएसीएमए या फिर जीएसटी ऑडिटर है, उनका डिजिटल सिग्नेचर, उनका अटेस्टेड कॉपी वहां पर आपको अटैच करनी है। वहां पर आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट्स भी आती है जीएसटीआर 9 के अंदर, पीएनएल और बैलेंस शीट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करनी होती है। एनेक्सर्स क्या है? जीएसटीआर 9 के अंदर नो एनेक्सर्स टू बी अटैच, हमें कोई एनेक्सर अटैच करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जीएसटीआर 9C के एनेक्सर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, जो भी हमें अभी बताया ऑडिटेड, जो ऑडिट किया हुआ है, सीए ऑडिट करता है, जो 3CB 3CD की हम बात कर रहे हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट आपको जीएसटीआर 9C के अंदर अटैच करनी है। अब लेट फीस, अगर आपने जीएसटीआर 9 को 9C अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं जिसकी एक लास्ट डेट होती है, जैसे 31 मार्च की लास्ट डेट थी, इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 9 लेट फीस ऑफ 200 पर डे ऑफ डिले सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन अमाउंट ऑफ 0.25 ऑफ टोटल टर्नओवर रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। लेकिन अभी अभी हमने लेट रिटर्न फाइल किया तो अभी कोई लेट फीस हमें तो नहीं लगी है, तो एक बार आप भी अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है जीएसटीआर 9 तो फाइल कर लीजिएगा। और GSTR 9 no specific provision hence subjects to a general penalty of ₹25,000। अगर GSTR 9 से अगर return file होता है तो 25,000 की late fees लगती है। तो ये था GSTR 9 और 9C के बीच में difference, किसे file करना है किसे file नहीं करना है। GSTR 9 every taxpayer को file करना है, whatever आपका turnover हो। आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ है तो भी आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, तो आप ये मत भूलिएगा कि हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है इसलिए हम जीएसटीआर फाइल नहीं करते हैं, आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।